जी नीच बड़ौदा दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों खानपुर बड़ौदा के जो लोगों ने एडीएम साहब को और तहसीलदार जी को जो ज्ञापन दिया था, और हम बताना चाहेंगे कि अब पटवारी जी भी मौके पर यहाँ पहुँच गए हैं और गिरदावर जी भी मौके पर पहुँच गए हैं यहाँ पर। और जो मामला था नाप तोल, पटवारी जी ने यहाँ पर नाप तोल भी की है, और उनसे भी जानना चाहेंगे अभी आखिरकार क्या है। पटवारी जी, ये जो अभी आपने नाप तोल किया है, जो एडीएम साहब को ये खानपुर बड़ौदा के लोगों ने ज्ञापन दिया, आपने नाप तोल की क्या रहा सर, इसमें आखिरकार ये जमीन किसकी है? जी भैया सर, ये जहाँ तक ये फक्का लगा है यहाँ तक तो गैर मुमकिन नाला है सरकारी, और इससे पीछे अभी वर्तमान में नगर परिषद के नाम है। ये अभी पीछे की तरफ नगर परिषद के नाम है ये। और जो होली का डांडा गड़ा हुआ था, होली का डांडा भैया किस जगह गड़ा? होली का डांडा यहाँ लोगों ने बता रहे हैं कि इस जगह कहाँ पर गड़ा भैया, इस जगह गड़ा हुआ था। और पटवारी जी, और ये जो ये बता रहे हैं लोग बाग, तो ये पटवारी ये जमीन किसकी में गड़ा हुआ है? सर जैसे ये लोग बाग बता रहे हैं हमने नाला यहाँ काट रखा था, सॉरी होली का डांडा यहाँ काट रखा था, तो ये नाले के अंदर आ रहा है। ये नाले के अंदर है, मतलब सरकारी जमीन है ये? जो डांडा है वो जैसा ये बता रहे हैं जी, कि हमने यहाँ काट रखा तो सरकारी नाले में, सरकारी नाले में वो डांडा गड़ा हुआ था, मतलब जैसा लोग बता रहे हैं सर, वो मैंने देखा नहीं। नहीं अभी आपने जो अभी ये नाप तोल की है पटवारी जी ने, और बताया जा रहा है कि ये पत्थर के पास में यहाँ पे यहाँ पे नाला की जगह है, और ये पीछे की जमीन है वो ये नगर परिषद के नाम है, नगर परिषद के नाम है। देखना दोस्तों, और सर अब पटवारी जी आप क्या कार्रवाई की जा रही है, किस रिपोर्ट दे देंगे साहब को, प्रस्तुत कर देंगे रिपोर्ट, उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी। फिलहाल मतलब कहने का मतलब ये जो झंडा गड़ा हुआ था वो सरकारी जमीन पे गड़ा हुआ था सर, अब जैसे लोगों को बताया अनुसार वो शायद आपने भी तो सर नाप तोल की ना, नाप तोल की उसके अनुसार जगह बताई जा रही है, वो उसी में आ रही है सरकारी नाले की जमीन में आ रही है, अंदर आ रही है। और फिलहाल आपने नाप तोल कर ली गई है, अब फिर अधिकारियों को रिपोर्ट पेश की जाएगी, उच्च अधिकारी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। सर नाले पे से कुछ देर पहले सर बता के गए कि भाई ये सरकारी जमीन है, कुछ देर पहले पटवारी सर बता के गए कि भाई ये सरकारी निर्माण सरकारी जमीन हो रहा है, तो सर ये टूटना चाहिए नहीं टूटना चाहिए? ये एक प्रशासनिक अधिकारियों का ये अतिक्रमण है, हो रहा है, हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को करनी चाहिए। और फिलहाल पटवारी जी और गिरदावर जी यहाँ पर आ गए हैं, अब ना काट दो, और पटवारी जी ये माटी पटकाई है, माटी देख लो नई माटी पटकाई है। और पटवारी जी गिरदावर जी देख रहे हैं, और दोस्तों ग्रामीण भी हम मौके पर मौजूद, पहले से लाइव में बताओ सरकारी जमीन में कट रहा साहब, सरकारी जमीन में काटा जा रहा है। पटवारी जी और गिरदावर जी मौके पर मौजूद, और दोस्तों नाप तोल हो चुकी है, और प्रशासनिक अधिकारियों को नाप तोल की जानकारी दी जा रही है, आखिरकार ये होली का डांडे का क्या मामला है क्या नहीं है, और प्रशासनिक अधिकारियों को रिपोर्ट पेश की जाएगी। खानपुर बड़ौदा में जो लोगों ने एडीएम साहब को ये ज्ञापन दिया था, फिलहाल खानपुर बड़ौदा में यहाँ पर मौके पर पटवारी जी और गिरदावर जी ने नाप तोल कर ली गई है, और वो अधिकारियों को रिपोर्ट पेश कर रहे हैं दोस्तों। सर नाप तोल कर ली गई आपके द्वारा?
पत्थर कट रहा है ना ये जी, यहाँ तक नाला है, नाला है मत... रोड का लगाया था, रोड का निशान चला रहा है, अरे रोड का निशान खा लगाया। सर शुभ नाम क्या आपना? लक्ष्मी नारायण भैरवा। लक्ष्मी नारायण जी और गिरदावर जी हैं। और सर जो नाथतोल में कली आखिरकार में जो होली का डांडा का ये यहाँ तक है ना ये जी जो पत्थर लग रहा है जी भाई साहब, यहाँ तक ये गहरी की नाला है भाई साहब। तो इन्हें जो लोगों ने होली का डांडा गला हुआ था सर, एडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, आखिरकार में इसकी समस्या का हल क्या होगा? हल्का तो देखो अधिकारी बता पाएंगे ना, प्राइवेट जमीन में गला हुआ है ये इस टाइम में। ये तो क्या गैरमुखी नाला है ना जी, गैरमुखी नाले में, गैरमुखी नाले में गड़ा हुआ है मतलब वो गैरमुखी नाले में ये मिट्टी डली हुई है। मैं तो अभी आया, ये तो रात को लगा दी गई थी, आप ऐसा बता रहे हैं। और फिलहाल नाप तोल कर ली गई है आप लोगों ने, और प्रशासनिक अधिकारियों को रिपोर्ट दी जा रही है। हाँ दी जा रही है, बराबर। दोस्तों एडीएम साहब को खानपुर बड़ौदा के लोगों ने ज्ञापन दिया था, होली का जो डांडा था उसको चला दिया गया उसके विरोध में, और पटवारी जी जांच कर रहे हैं इस टाइम, और दूसरी पार्टी हो आएगी तो उससे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, आखिरकार क्या मामला है, दूसरी पार्टी भी सामने आए तो उससे भी बात करने का प्रयास करेंगे एक बार।